नमस्कार दोस्तों, गॉमिक जॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी है यूट्यूब पे कि बहुत सारे लोग जो है कंडेंसर माइक्रोफोन खरीद लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उसको फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये वीडियो जो पूरी की पूरी है इसी बारे में है कि आप कंडेंसर माइक्रोफोन को फ़ोन में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कंडेंसर माइक्रोफोन, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ हेडन कंपनी का। हेडन कंपनी का HY 800 मॉडल। और सबसे मेन चीज़ जो हमें अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करने के लिए चाहिए, वो चाहिए ये कन्वर्टर। ये जो कन्वर्टर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक साइड जो जैक है वो हेडफोन का है और एक साइड जैक है वो माइक्रोफोन का है। तो बेसिकली, क्योंकि हमारे फ़ोन में दो जैक अवेलेबल नहीं है, तो जब माइक्रोफोन कनेक्ट होता है उसमें, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि कौन सा हेडफोन का है और कौन सा माइक्रोफोन का पॉइंट है। और इस वजह से हमें स्प्लिटर की नीड होती है। इसके अलावा ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ये भी सेम काम करता है। ये 3.5 mm जैक है जो कि TRSS है, और ये दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है इसको, हेडफोन मोड में और माइक्रोफोन मोड में। ये जो है इसका हेडफोन मोड है और ये माइक्रोफोन मोड है। तो ये मार्केट में जो है 60 रुपये का अवेलेबल था, ऑनलाइन हो सकता है आपको 200 रुपये में मिल जाए। और ये मेरे को मिला है मार्केट में 50 रुपये का, ये भी आपको ऑनलाइन सेम 200 रुपये करीब में मिल सकता है। अगर मेरे को मिलेगा तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपना जो माइक्रोफोन है उसे हम अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले। ये इसका मैनुअल है और इसके साथ अवेलेबल होती है ये TRSS वायर, 2 TRS 2 3.5 mm वायर। साथ में ये रहा हमारा पॉपअप फिल्टर, ये है हमारा शॉक माउंट, और ये है हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन चमकता हुआ। तो सबसे पहले तो इसको निकालते हैं। ये रहा मॉडल हेडन का HY 800 मॉडल, और ये जो मेरा शॉक माउंट है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है दूसरी कंपनी का। तो इसमें मैं अपना माइक्रोफोन जो है लगा लेता हूँ। दोस्तों, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा, आप कोई भी माइक्रोफोन लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हेडन कंपनी का अवेलेबल है या फिर बोया कंपनी का अवेलेबल है, मोनो कंपनी का अवेलेबल है। तो जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसका लोगो लिखा होता है जैसे कि हेडन है, उसके सामने अपना फेस रख के बात करें, क्योंकि यहीं पर जो माइक्रोफोन है वो इंस्टॉल्ड होता है। तो यहाँ पर रख के अगर आप मतलब रिकॉर्डिंग चालू करेंगे तो सबसे ज़्यादा इनपुट गेन आएगा आपको, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होगी। तो इसको मैं अब डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ अपने जो ये जो जैक हम लेकर आए हैं इसमें, और इसके माइक्रोफोन वाले मोड में जो कि ये है। तो दोस्तों, मैं इसको अपने फ़ोन में लगा रहा हूँ। ये रहा मेरा फ़ोन, और अपने फ़ोन में जैक मैंने लगा दिया और एप्लीकेशन ऑन करता हूँ। इसके लिए बहुत ही एक अच्छी एप्लीकेशन जो रिकॉर्ड फॉर्ज है वो मैंने डाउनलोड कर रखी है। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये रही एप्लीकेशन। और अब हम सीधा रिकॉर्डिंग जो है वो चालू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, ये जो इसका आप देख रहे हैं, मैं टैप कर रहा हूँ, स्क्रीन पे वेव्स आ रही हैं। तो ये जो वेव्स है ये शो करती है, अगर आप इसके माइक्रोफोन के जितना पास जाके बोलेंगी उतनी ज़्यादा साउंड आएगी। अगर आप यहाँ पे अपना जो फेस है यहाँ पे रख के बोलेंगे इस लोगों के सामने, उतनी ज़्यादा वॉइस जो है रिकॉर्ड होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉइस है रिकॉर्ड हो रही है, और ये जो रिकॉर्डिंग, ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं अभी, ये जो है मेरे कंडेंसर माइक्रोफोन की है। और इस तरीके से अपना फ़ोन जो है आप कंडेंसर माइक्रोफोन में लगा सकते हैं और रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये है वो केबल जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपको चाहिए होगी इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी लोकल मार्केट में भी ले सकते हैं। और यह है कंडेंसर माइक्रोफोन, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप कुछ
भी पूछना चाहे मुझसे तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।